जम्मू में हम बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, नवादा में हम जीतने जा रहे हैं, गया में स्पष्ट रूप से हमारी जीत होगी और औरंगाबाद में हम मजबूती के साथ वहां पर जीत की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि जनता के द्वारा जिस तरह से एनडीए और एनडीए के खेमे में जो उम्मीदवारी दी गई या जो उम्मीदवार दिए गए उनके प्रति लोगों में नाराजगी थी। अधिकतर नाम मांझी जी के संबंध में सब लोगों को पता है कि वो हमेशा हर चुनाव में कहीं ना कहीं पाला बदलते रहे हैं। पिछली बार वो हम लोगों के साथ थे, इस बार एनडीए के साथ था, इससे पहले वो एनडीए के साथ थे, तो लगातार वो चुनाव हारते रहे क्योंकि जनता वहां उनको पसंद नहीं करती। और जिस तरह से हमने वहां पर उम्मीदवार दिया वो स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष में रहा, और जम्मू में तो हम बेहतर उम्मीदवार दिए और बेहतर सोच के साथ हम वहां पर उतरे, और जो चिराग पासवान जम्मू और जम्मू में कोई विकास का कार्य नहीं किए थे और जम्मू को उन्होंने अपना जिस तरह से एक लोगों के बीच परसेप्शन खड़ा कर दिया था, उस परसेप्शन का कहीं ना कहीं लोगों ने उनके प्रत्याशी, जो उनके प्रत्याशी के संबंध में लोग पहले से ही कहते रहे थे कि ये परिवारवाद को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखा। इसलिए जनता के द्वारा जो हमारे प्रति विश्वास प्रकट किया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज, मैं रिजवी। मैं मौजूद हूँ आरजेडी प्रदेश कार्यालय पटना में और मेरे साथ मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। जैसा कि कल चार लोकसभा बिहार में जो सीटें थी, चुनाव मतगणना संपन्न हो चुकी है, उसी के बारे में जानना चाहेंगे। गया, जम्मू, औरंगाबाद, नवादा, क्या स्थिति रही, इनसे जानना चाहेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता है, लगातार समीक्षा करते रहते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, तमाम तरह की बात इनसे जानना चाहेंगे। क्या लगता है, महागठबंधन या एनडीए? देखिए, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में चारों लोकसभा क्षेत्र का परिणाम आने जा रहा है, क्योंकि जनता के द्वारा जिस तरह से तेजस्वी जी के कामों को, तेजस्वी जी के द्वारा 17 महीने में जो नौकरी, रोजगार और जातीय गणना करा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था की, उस पर मोहर लगाने का काम कल बिहार के चार लोकसभा क्षेत्र की जनता ने किया है। जम्मू में हम बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, नवादा में हम जीतने जा रहे हैं, गया में स्पष्ट रूप से हमारी जीत होगी और औरंगाबाद में हम मजबूती के साथ वहां पर जीत की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि जनता के द्वारा जिस तरह से एनडीए और एनडीए के खेमे में जो उम्मीदवारी दी गई या जो उम्मीदवार दिए गए उनके प्रति लोगों में नाराजगी थी, और खास तौर से औरंगाबाद के जो सांसद रहे वर्तमान में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा था, उन्होंने जनता के लिए और जनता के हित में कोई काम नहीं किए थे। अधिकतर नाम मांझी जी के संबंध में सब लोगों को पता है कि वो हमेशा हर चुनाव में कहीं ना कहीं पाला बदलते रहे हैं। पिछली बार वो हम लोगों के साथ थे, इस बार एनडीए के साथ था, इससे पहले वो एनडीए के साथ थे, तो लगातार वो चुनाव हारते रहे क्योंकि जनता वहां उनको पसंद नहीं करती है, और स्पष्ट रूप से जनता ने संदेश दे दिया है कि वहां पर जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार सरजीत है, उनके पक्ष में लोगों ने मत देकर के तेजस्वी जी के नेतृत्व पर जो विश्वास प्रकट किया और जीतन राम मांझी को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आपने जनता और जनता के हितों के लिए जनता के सवाल पर कभी भी गया में रहकर गया के राजनीति को या गया के लोगों को जो एक राजनीतिक दिशा देनी चाहिए वो नहीं दिया। और जहां तक नवादा का सवाल है, नवादा में हमने जो सामाजिक समीकरण बनाया और जिस तरह से हमने वहां पर उम्मीदवार दिया वो स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष में रहा, और जम्मू में तो हम बेहतर उम्मीदवार दिए और बेहतर सोच के साथ हम वहां पर उतरे, और जो चिराग पासवान जम्मू और जम्मू में कोई विकास का कार्य नहीं किए थे और जम्मू को उन्होंने अपना जिस तरह से एक लोगों के बीच परसेप्शन खड़ा कर दिया था, उस परसेप्शन का कहीं ना कहीं लोगों ने उनके प्रत्याशी, जो उनके प्रत्याशी के संबंध में लोग पहले से ही कहते रहे थे कि ये परिवारवाद को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं,
वो स्पष्ट रूप से दिखा। इसलिए जनता के द्वारा जो हमारे प्रति विश्वास प्रकट किया गया, जो हमारे प्रति समर्थन दिखाया गया, वो स्पष्ट रूप से सामने आया है और हम चारों सीट जीतने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार दौरा भी किए हैं, तो उनका कहीं छाप नहीं मन बेटा? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर आम जन का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने कहे बातों पर ही टिके नहीं रहते हैं। उन्होंने 15 लाख हर के खाते में देने की बात 2014 में की थी, हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात की थी। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी और रोजगार देना चाहिए था, इन्होंने दिया 7,22,311। तो जो नौजवान है वो गुस्से में है, जो आम आवाम है वो गुस्से में है, महिलाओं पर भी अत्याचार और यौनाचार की घटनाओं में भाजपा के नेता शामिल रहे हैं, और भाजपा के नेताओं पर कोई कार्रवाई करने की जगह भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संरक्षित किया, उसके कारण महिलाओं में भी गुस्सा था और गरीब लगातार पिसते चले जा रहे हैं। और गरीबों को 80 करोड़ से ऊपर जो संख्या हो गया है, उसके बावजूद भी ये 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे करके अपने फोटो वाला झोला थमा करके लोगों को जिस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, अब आम जन भी समझ चुके हैं कि ये 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से हमारे परिवार, हमारे लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, जो एनडीए सरकार के माध्यम से कहीं नहीं दिया जा रहा है। इसलिए लोगों में जो गुस्सा था, लोगों में जो कहीं ना कहीं आक्रोश था, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर तो अब आम लोगों का विश्वास ही नहीं है। अब लोग मोदी की जगह मुद्दों के आधार पर जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन के प्रति है, वो स्पष्ट रूप से दिखा इस चुनाव में। तेजस्वी के खिलाफ जो उनके रैली में एक शब्द का जो प्रयोग किया गया चिराग पासवान की माँ के, इसमें कोई वहां पे भीड़ में, तो उसके लिए चुनाव आयोग पर भी चुनाव आयोग पहुंच गए हैं बीजेपी के जितनी महिलाएं लोग। देखिए, बीजेपी की महिलाएं या अन्य लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का मामला नहीं है। इस मामले में कौन लोग भीड़ में शामिल थे, ये जांच का विषय है, और तथ्य और तथ्यों के आधार पर ही कोई बातें सामने आ सकती है। बिना जानकारी के अगर आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक वेंडेटा और राजनीतिक लाभ लेने और राजनीतिक हित साधने का ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, इस परसेप्शन को अब जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और कल के चुनाव में आपने देख लिया कि जनता ने उसको स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया कि आप लोग जिस तरह का माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं, उस तरह के माहौल से जनता उठ चुकी है। जनता चाहती है मणिपुर की घटनाओं पर प्रधानमंत्री जो शर्मसार महसूस किए उस पर वक्तव्य, जनता चाहती है महिला खिलाड़ियों के साथ जो शर्मसार होने वाली घटना हुई उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वक्तव्य, लेकिन उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो दोहरी राजनीति या दोहरी सोच वाली भाजपा या उनके साथ वाले लोग जो काम कर रहे हैं, जनता भी देख रही है और जनता सब कुछ समझ रही है। जनता ने कल 4 लोकसभा क्षेत्रों में इनको जवाब देने का काम किया। मेरे साथ मौजूद थे आरजेडी प्रवक्ता अयाज साहब। 4 लोकसभा सीटों में जो कल चुनाव हुई है, इनका कहना है चारों पूह बहुमत से हम लोग महागठबंधन जीत रहे हैं। 4 जून को ही इसका रिजल्ट आएगा, 4 दिन का इंतजार करना होगा। इस तरह की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।